हेलो दोस्तों, फिर से स्वागत है मेरा चैनल पे। मेरा चैनल का नाम है इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया। मैं लोटन फिर लेके आया हूँ एक नया वीडियो। आप लोग देख सकते हैं हमारे पास एक पोटेक कंपनी का टीवी है। इस टीवी का प्रॉब्लम दिखाऊंगा दोस्तों। ये पोटेक कंपनी का टीवी है, ये अल्ट्रा स्लिम का टीवी है, 14 इंच का टीवी। इस टीवी का प्रॉब्लम बताऊंगा, सॉल्यूशन करके भी बताऊंगा। तब तक हमारा वीडियो लास्ट तक देखते रहिए। और मेरा चैनल पे जो नया दोस्त है उसको कहूंगा मेरा चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को दबा देना, ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर देना। जब भी मैं नया नया वीडियो लेकर आऊँगा आप लोगों को मिलते रहेंगे। ठीक है दोस्तों, इस टीवी का प्रॉब्लम क्या है वो पहले बता देता हूँ दोस्तों। जब मैं टीवी को पावर देता हूँ, पावर देने के बाद हमारा टीवी पे जो इंडिकेटर होता है वो स्टैंड बाय से रिलीज होने के बाद हमारा बंद हो गया है। और उसके बाद जो पिक्चर आ रहा है वो हमारा थोड़ा सा धुआं सा एक पिक्चर आ रहा है और हमारा पूरी तरह से क्लियर नहीं है। देख सकते हैं हल्का सा ब्लू होके हमारा पिक्चर है। और जब मैं इस पर मेनू या वॉल्यूम जो बटन होता है वो बटन को दबाता हूँ, तब ये वाला वॉल्यूम बटन हमारा देख सकते हैं हमारा लिखा आ रहा है, वो थोड़ा सा धुआं सा लिखा है, वो कोल्डी पिक्चर जैसा होता है ऐसे वाला पिक्चर आ रहा है और हमारा पिक्चर क्लियर नहीं है। देखिए हमारा जो मेनू का जो लोगो है वो लोगो कैसे धुआं सा एक पिक्चर आ रहा है। मतलब दोस्तों अंदर में कुछ पिक्चर है लेकिन वो ग्लो करके नहीं आ रहा है, इसीलिए इसको पिक्चर को ग्लो करना करवाना है और इसको क्लियर करना है। इसीलिए क्या करेंगे, पहले टीवी को ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद देखेंगे कहाँ पे प्रॉब्लम हो रहा है। ठीक है दोस्तों, क्या करते हैं टीवी को पहले ओपन कर लेते हैं। दोस्तों देख सकते हैं ये वाला टीवी को मैंने ओपन कर चुका हूँ। ओपन करने के बाद जो होता है ये वाला हमारा अल्ट्रा स्लिम का 14 इंच का CRT ट्यूब है और ये वाला योक कॉयल 14 इंच का योक कॉयल और ये रहा बेस बोर्ड और ये रहा हमारा मेन पीसीबी। दोस्तों ये हमारा जो पोटेक कंपनी का जो पीसीबी है, ये पीसीबी यूज किया गया है, पोटेक कंपनी की ओरिजिनल पीसीबी है। और दोस्तों आज का जो प्रॉब्लम आ रहा है वो हमारा अनफोकस का प्रॉब्लम है। वो अनफोकस का प्रॉब्लम कहाँ से होता है, एक तो हमारे ESD जो फोकस स्क्रीन का जो पीसेड होता है वो वाला प्रॉब्लम, फोकस का पीसेड होता है उस पर प्रॉब्लम हो सकता है, स्क्रीन का जो लो होता है उस पर प्रॉब्लम हो सकता है, नहीं तो हमारा ये जो बेसबोर्ड है बेसबोर्ड पर प्रॉब्लम हो सकता है, जो हमारा बेस खराब हो सकता है। उससे पहले क्या करते हैं एक एक वोल्टेज को चेक कर लेंगे, क्योंकि दोस्तों वोल्टेज का प्रॉब्लम देगा तो हमारा सिस्टम में भी प्रॉब्लम आएगा। दोस्तों मैंने टीवी को पावर दे देता हूँ। पावर देने के बाद एक एक वोल्टेज को चेक कर लेंगे कहाँ कहाँ पे कितना वोल्टेज आ रहा है। उससे पहले पावर सेक्शन से चेक करेंगे। देखिए हमारा इस वाला पॉइंट पे जो ESD को सप्लाई दिया जाता है उस पे हमारा 111 वोल्ट आ चुका है। उसके बाद और एक वोल्टेज होता है जो 27 वोल्ट के पॉइंट पे 26 आ रहा है। और उसके बाद एक वोल्टेज होता है जो 12 वोल्ट होता है, जो हमारा रेगुलेटर सिस्टम के लिए काम करता है, रेगुलेटर सिस्टम के लिए। और एक वोल्टेज होता है जो हमारा साउंड सेक्शन के लिए दिया जाता है, जो 17 वोल्ट तक हो सकता है, जो हमारा साउंड सेक्शन का जो IC होता है, साउंड आईसी पे काम करता है। ठीक है, हमारा तो जो पावर सेक्शन का जो वोल्टेज होना चाहिए वो वाला वोल्टेज तो हमारा सही आ रहा है, लेकिन दोस्तों हमारे टीवी पे जो अनफोकस का प्रॉब्लम दे रहा है वो वाला प्रॉब्लम रह गया है। क्यों अनफोकस का प्रॉब्लम आ रहा है वो देखने के लिए और एक वोल्टेज को चेक कर लेते हैं, जो हमारा 5 वोल्ट 8 वोल्ट बनता है रेगुलेटर सिस्टम पे। इस पे हमारा जो MB करके आ रहा है ये वाला पॉइंट पे हमारा 5 वोल्ट आता है, जो हमारा ट्यूनर सेक्शन को सप्लाई देने के लिए जो वोल्टेज दिया जाता है उस पे हमारा 5 वोल्ट मिलता है। देखिए हमारा 5 वोल्ट मिल रहा है। और हमारा 8 वोल्ट कहाँ पे मिलेगा, जो हमारा कलर सेक्शन होता है, कलर सेक्शन पे जो वोल्टेज आता है और हमारा IK के लिए सप्लाई दिया जाता है इस वाला पॉइंट पे, वो वाला पॉइंट पे हमारा दिया गया है जो 8.1, मतलब 8 वोल्ट हमारा पक्का है। और जो सिस्टम पे हमारे ESD पे चेक कर लेंगे, जो ESD को सप्लाई देने के बाद, ESD को सप्लाई 110 वोल्ट सप्लाई देने के बाद इस वाला पॉइंट पे 110 वोल्ट मिलेगा। और इसको सप्लाई देने के बाद जो ESD रनिंग हॉरिजेंटल रनिंग होने के बाद जो हमारा ये मेन IC से जो हमारा हॉरिजेंटल फीड निकल के हमारा ESD को रनिंग करता है, रनिंग करने के बाद जो वोल्टेज तैयार होता है एक वोल्टेज होता है हमारा 180 वोल्ट, जो हमारा 180 वोल्ट मिल रहा है। उसके बाद एक वोल्टेज तैयार होता है, जो वोल्टेज मिलता है हमारा जो बेसबोर्ड का जो कलर सेक्शन होता है, कलर सेक्शन को फिल्टरिंग करने के लिए, वो वाला वोल्टेज हमारा 180 वोल्ट तो मिल गया, लेकिन और एक वोल्टेज मिलता है जो हमारा AC पे होता है 3 से 4 वोल्ट तक, जो हमारा फिलामेंट को रन करने के लिए, मतलब ESD पे हमारा जो हाइसिंग बनना चाहिए वो वाला हाइसिंग भी बन रहा है। उसके बाद देखते हैं और कहाँ पे प्रॉब्लम वोल्टेज होता है।
दोस्तों हमारा जो वर्टिकल सेक्शन होता है, वर्टिकल सेक्शन पे हमारा यही वाला जो पावर सेक्शन से वोल्टेज निकल के आ रहा है जो 25, और मिडिल पे 0 वोल्ट जो हमारा ग्राउंड है, और ये वाला भी 25 वोल्ट। मतलब हमारा वर्टिकल सेक्शन पे भी वोल्टेज आ रहा है, इसलिए पिक्चर तो पूरा सा आ रहा है, लेकिन हमारा पिक्चर जो धुआं सा है वो क्यों है। दोस्तों हमारा 180 वोल्ट मिलने के बाद हमारा अनफोकस को, फोकस के जो पीसेट है, पीसेट को क्लियर करने के बाद हमारा एक चीज़ रह जाता है, ये वाला बेसबोर्ड। बेसबोर्ड पे जो बेस होता है जो हमारा पिक्चर ट्यूब से कनेक्टेड है, वो वाला कनेक्टेड बेस जो है वो बेस पे हमारा खराबी हो सकता है। इसीलिए क्या करेंगे, ये वाला बेस को ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद एक नया वाला बेस लगा लेंगे। नया वाला बेस लगाने के बाद देखेंगे हमारा ये वाला जो प्रॉब्लम दे रहा है, अनफोकस का जो पिक्चर आ रहा है, वो वाला प्रॉब्लम सॉल्व होता है कि नहीं। ठीक है दोस्तों, क्या करते हैं, ये वाला पुराना वाला बेस को चेंज करके नया वाला बेस लगा लेते हैं। लगाने के बाद देखते हैं हमारा पिक्चर क्लियर हुआ है कि नहीं। दोस्तों मैंने ये पुराना वाला बेस को चेंज करके नया वाला बेस लगा चुका हूँ, और लगाने के बाद जो हमारा पिक्चर आ रहा है उसको चेक करेंगे। जो हमारा अनफोकस का प्रॉब्लम दे रहा था, जो पिक्चर क्लियर नहीं था, मैं टीवी को पावर दे देता हूँ। पावर देने के बाद देखते हैं हमारे टीवी पे कैसे पिक्चर आ रहा है। और दोस्तों ये वाला बेस जब हमारा अनफोकस का प्रॉब्लम देगा तो हमारा जैसे कोहरा जैसे पिक्चर देगा, जो हमारा अनफोकसिंग हो जाएगा। देखिए दोस्तों हमारा टीवी पे जो ब्लू कलर का जो सिस्टम था, वो वाला ब्लू हमारा थोड़ा सा हाई हो गया है। मतलब हमारा पिक्चर पे कुछ तो फर्क आ रहा है। और मैं क्या करूँगा, इसको इसका जो एवी का जो पॉइंट था, वो एवी का पॉइंट को कनेक्ट करूँगा। उससे पहले ये जो मेनू का जो लोगो आ रहा था, दोस्तों जब मैं बता रहा था जो एवी को तो कनेक्ट करूँगा, एवी को कनेक्ट करके पिक्चर देखूँगा, उससे पहले जो जब मैं मेनू दबा रहा था तो हमारा जो वॉल्यूम लिखा आ रहा था वो अंदर में था, और मेनू का जो लोगो था वो लोगो अंदर में था। वो देख लेंगे हमारा मेनू का लोगो कहाँ पे है, मेनू का बटन। मेनू तो नहीं आ रहा है, वो छोड़िए, ए भी लगा के पिक्चर देख लेंगे। हमारा जो ए भी का जो पिक्चर आ रहा था वो हमारा अंदर में थोड़ा सा दिख रहा था, और हमारा क्लियरनेस नहीं था। वो वाला पिक्चर को भी देख लेंगे। दोस्तों देख सकते हैं हमारा टीवी पे जो पिक्चर नहीं था, और ऑन टीवी चालू करने के बाद जो हमारा पिक्चर आ रहा था वो अंदर में थोड़ा सा पिक्चर था, और हमारा पिक्चर क्लियरनेस नहीं था। वो वाला प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका है। मैं टीवी को आगे से घुमा के दिखा देता हूँ। दोस्तों मैंने टीवी को आगे से घुमा चुका हूँ, और घुमाने के बाद टीवी को पावर दे देता हूँ। पावर देने के बाद कैसे पिक्चर आ रहा है देखिए। जो हमारा लोगो, जो लोगो या कुछ लिखा आ रहा था वो हमारा क्लियरनेस नहीं था। और हमारा, मैं ए भी को ओपन कर लेता हूँ। ओपन कर लिया हूँ दोस्तों। जब मैं टीवी को पावर देने के बाद जो हमारा लिखा आ रहा था, जो वॉल्यूम बटन को दबाने के बाद हमारा जो वॉल्यूम बटन दिख रहा है, ये वाला वॉल्यूम बटन हमारा क्लियरनेस नहीं दिख रहा था। वो अंदर में थोड़ा सा पिक्चर दिख रहा था, और इसका जो मेनू का बटन कभी कभी ऑन होता है वो भी लिखा अंदर में दिख रहा था, लेकिन हमारा पिक्चर जो था वो पिक्चर थोड़ा सा भी नहीं दिख रहा है, दिख रहा था। और कुछ देर के बाद ये पिक्चर क्लियर होता था। कुछ देर के बाद मतलब आधा घंटा तक ये टीवी को चला के रखने के बाद हमारा टीवी चालू होता था, स्क्रीन क्लियर होता था। और जब ए बी कनेक्शन दे रहा था और देने के बाद हमारा पिक्चर आधा घंटा बाद पिक्चर क्लियर होता था। ठीक उसी प्रॉब्लम को देखिए दोस्तों, जो मेनू का लोगो नहीं दिख रहा था वो मेनू का लोगो अब तक क्लियर है। देखिए हमारा एवी का पिक्चर भी क्लियर हो चुका है। मतलब दोस्तों आज का जो अनफोकस का प्रॉब्लम था वो प्रॉब्लम आ रहा था हमारा बेस से। जो बेस का जो हमारा फोकस का जो पॉइंट आता है, वो पॉइंट पे जो क्लियरनेस होना चाहिए था वो क्लियरनेस नहीं कर पा रहा था, पिक्चर नहीं क्लियर कर पा रहा था, और इसीलिए ही हमारा टीवी पे पिक्चर नहीं था। वो अंदर से धुआं सा एक पिक्चर दिख रहा था। इस बेस को चेंज कर देने के बाद हमारा टीवी पे जो पिक्चर आना चाहिए वो पिक्चर पूरी तरह से क्लियर हो चुका है।
ठीक है दोस्तों, इसी तरह का नया नया वीडियो मिलने के लिए मेरा चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को दबा देना, ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर देना। जब भी मैं नया नया वीडियो लेकर आऊँगा आप लोगों को मिलते रहेंगे। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए दोस्तों गुड बाय।